तो अर्ज किया है कि जो आंधियों में बनकर मसाल चलते हैं, जो आंधियों में बनकर मसाल चलते हैं, जिनकी आंखों में रोज नए सपने पलते हैं, जो कभी कभी थकते हैं पर रुकते कभी नहीं, वही लोग आगे चल के इतिहास रचते हैं। वेलकम बैक टू माय ऑल स्टूडेंट्स, विभिन्न वेरिफिकेशन क्लासेस के दबंग सेशन में हम आपको एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो आज 12th क्लास चैप्टर नंबर 3 का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक विद्युत सेल की बात की जाएगी। ये टॉपिक जो है आपका फिजिक्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, तो बने रहे हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस दबंग सेशन को, और आप यदि बने रहते हैं तो आप पाएंगे कि विद्युत सेल का होल कॉन्सेप्ट हम आपके दिमाग में क्लियर कर देंगे, और सेल के प्रकार क्या होते हैं, किस तरह से प्राथमिक सेल है की उत्पत्ति हुई, कौन इसका आविष्कारक रहा है, तो इन सब बातों पर परिचर्चा होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस खूबसूरत सेशन को। तो यदि आप देख पा रहे होंगे तो हमने पहले से यहाँ कुछ सेल्स आपको दिखाए हैं। यदि आप देख पा रहे होंगे ये निप्पो कंपनी एवं रेडी कंपनी के कुछ सेल्स ऐसे आप देखे होंगे, तो ये जो है ये प्राथमिक सेल है। इनका यदि आप एक बार उपयोग करते हैं, उपयोग करने के बाद जब खराब हो जाते हैं तो आप इन्हें फेंक देते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये एक चार्जेबल सेल हम लोगों ने यहाँ पर लगाया है, ये चार्जेबल सेल है। चार्जेबल का मतलब इन्हें हम दोबारा चार्ज में लगाकर उपयोग कर सकते हैं। तो कुल मिला के बात की जाए प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल की कुछ इमेजेस आपने देख ली है, मतलब विद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं। तो चलिए बात करते हैं अब इसकी स्टार्टिंग से, तो क्या है विद्युत सेल, इसको हम लोगों को समझना होगा। आइए बात करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि विद्युत सेल का आविष्कार, सन 1800 में, सन 1800 में इटली के वैज्ञानिक, इटली के वैज्ञानिक कौन रहेंगे, अलेसांद्रो वोल्टा, अलेसांद्रो वोल्टा ने कांच के एक पात्र में किया था, यहाँ जो आप लोग फिगर देख पा रहे हैं प्राथमिक और द्वितीयक सेल का, वो मुख्य रूप से शुष्क सेल का आप लोग चित्र देख पा रहे हैं। तो आइए बात करेंगे सबसे पहले वास्तव में सेल होते क्या है। तो चलिए आते हैं विद्युत सेल की डिफिनेशन को हम लोग देख लेते हैं। बड़ी सिंपल सी डिफिनेशन है विद्युत सेल। देखिए विद्युत सेल का आविष्कार किसने किया था, ध्यान रखना होगा अलेसांद्रो वोल्टा ने किया था। तो विद्युत सेल, इलेक्ट्रिकल सेल यदि बात की जाए, देखिए बहुत ही सिंपल सी डिफिनेशन है, विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है, ध्यान रखना है, विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो किसी भी विद्युत परिपथ में आवेश के प्रवाह को लगातार बनाए रखता है, क्योंकि विद्युत सेल आवेश या धारा का प्रवाह करता है किसी विद्युत परिपथ में और लगातार बनाए रखता है यदि आप इसे कुंजी से कनेक्ट कर देते हैं। तो विद्युत सेल क्या है, विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो किसी विद्युत परिपथ में आवेश के प्रवाह को लगातार बनाए रखती है। आइए इस डिफिनेशन को हम लोग लिख लेते हैं कि विद्युत सेल, ध्यान रखेंगे विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है, ध्यान रखेंगे विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो किसी भी विद्युत परिपथ में आवेश के प्रवाह को अनवरत बनाए रखता है। क्या आपके दिमाग में ये डिफिनेशन फिक्स हो गई है, बनाए रखता है।
तो ये देख पा रहे हो कि विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो किसी विद्युत परिपथ में आप लोगों ने सिंपल सा एग्जांपल टार्च वाला देखा होगा जिसमें शुष्क सेल का प्रयोग होता है। तो जैसे ही आप बटन चालू करते हो, चालू करने के लिए बटन होती है, की होती है, तो आपका बल्ब जलने लगता है और जब तक आप बटन नहीं बंद करेंगे और सेल नहीं खत्म हो जाता है तब तक आपका बल्ब जलता रहता है। मतलब ये क्या करता है, आवेश या धारा के प्रवाह को लगातार बनाए रखता है किसी विद्युत परिपथ में। आइए हम एक और डिफिनेशन की बात करेंगे, अथवा ध्यान रखेंगे एक और डिफिनेशन के विषय में बात करते हैं। देखिए, सेल में हमेशा केमिकल्स यूज किए जाते हैं विद्युत अवघट के रूप में। सेल में हमेशा केमिकल्स यूज किए जाते हैं, जैसे साधारण वोल्टेज है, साधारण वोल्टेज सेल जो है यदि आपको पता हो तो उसमें विद्युत अवघट के रूप में H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। मतलब ये जो है ये केमिकल यूज है। तो सेल जो है कुल मिला के एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को, केमिकल को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। बड़ी सिंपल सी डिफिनेशन है, आप सिंपल तरीके से इतना ध्यान में रख सकते हैं कि सेल क्या करेगा, रासायनिक ऊर्जा ध्यान रखना है, रासायनिक ऊर्जा को इंटरचेंज करता है विद्युत ऊर्जा। सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब आपको ध्यान में रखना है, कई बार ऐसी भी कंडीशंस आती हैं कि ये जो है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में भी बदलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सिंपल वाले डेफिनेशन लिख सकते हैं कि सेल एक ऐसी युक्ति है, सेल एक ऐसी युक्ति है, क्योंकि इसमें विद्युत अवघट के रूप में ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को, ध्यान रखना है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ध्यान रखना होगा, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या है सेल? एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आई होप ये आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए बात कर लेते हैं सेल के प्रकार की, विद्युत सेल के प्रकार। वैसे तो आपको पता चल चुका होगा प्रकार या विद्युत सेल के प्रकार। तो विद्युत सेल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सेल या इसी को प्राथमिक सेल, पहला जो होगा प्राथमिक सेल, और सेकेंड नंबर में होगा द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, ये आपके एग्जाम्पल्स मतलब प्रकार, सॉरी, ये आपके जो हैं प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल जो हैं वो प्रकार है किसके, विद्युत सेल के। दो प्रकार के होंगे विद्युत सेल, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। जैसा कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में डायग्राम को देखा है, ये आपके प्राथमिक सेल्स हैं, मतलब इनको हम एक बार उपयोग में लाने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते, और ये द्वितीयक सेल है, चार्जेबल सेल होते हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे चार्जेबल सेल है, इन्हें हम दोबारा भी उपयोग में ला सकते हैं। प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में अब हम अंतर की बात करेंगे। थोड़ा सा आपको समय और देना होगा, कंसंट्रेशन बना के रखें, हम आपके दिमाग में 100% फिक्स करेंगे। तो आइए देख लेते हैं, जो प्राथमिक सेल है बड़ा सिंपल सा है कि ये जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। यदि आपको याद हो कि इसमें केमिकल का यूज किया जाता है, जैसे विद्युत अवघट के रूप में H2SO4 का प्रयोग किया जाता है सीसा संचायक सेल में, और साथ में साधारण वोल्टीय सेल में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो कहने का मीन्स है केमिकल का यूज किया जाएगा, H2SO4 का यूज किया जाता है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और इसके द्वारा हमें विद्युत मिलती है। जैसे टॉर्च जलाते हैं तो इसके द्वारा आपको विद्युत ऊर्जा मिलती है, प्रकाश जलने लगता है। तो कहने का मीन्स है जो प्राथमिक सेल होते हैं वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। अब यहाँ पर कहानी ध्यान में रखना, द्वितीयक सेल जो होते हैं वो आवेशन के दौरान, आवेशन मतलब जब चार्ज होते रहते हैं तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक में बदलते हैं, और निरावेशन के दौरान जब डिस्चार्ज होते हैं मतलब उनसे जब धारा ली जाती है तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। आइए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें होने वाली जो रासायनिक क्रियाएं हैं अनुक्रमणीय होती है। अनुक्रमणीय का मतलब है कि रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में तो बदलती है, पर विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में नहीं बदलती है।
यहाँ देख ले जस्ट अपोजिट, इनमें जो है द्वितीयक सेल में होने वाली जो रासायनिक क्रियाएं हैं वो उत्क्रमणीय प्रक्रम की होगी, सॉरी उत्क्रमणीय प्रक्रम की होती हैं। मतलब ये जो है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक में भी बदल सकते हैं और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में भी बदल सकते हैं। क्या आपके दिमाग में ये बात फिक्स है? आइए आगे बढ़ते हैं। इन सेलों को दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता, ध्यान रखना है। प्राथमिक सेल का एक बार उपयोग करने के बाद आप क्या करते हैं, फेंक देते हैं, जबकि द्वितीयक सेल को हम पुनः दोबारा चार्ज करके दोबारा आवेशन करके दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है, ये आप लोग देख पा रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ये सेल सस्ते और सर्व सुलभ होते हैं, ये सेल सस्ते और सर्व सुलभ होंगे। प्राथमिक सेल आसानी से दुकानों में मिल जाते हैं, आई होप आप कुछ प्राथमिक सेल जानते होंगे, जैसे शुष्क सेल साधारण आसानी से मिल जाते हैं, जबकि ये सेल महंगे और दुर्लभ होते हैं, थोड़ा सा कॉस्टली होते हैं और दुर्लभ होते हैं। हालांकि अब जो सेल्स आ चुके हैं वो उतने ज्यादा कॉस्टली नहीं है, उन्हें आप चाहें तो आसानी से खरीद सकते हैं। आइए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। ये सेल हल्के होते हैं, प्राथमिक सेल जो होते हैं हल्के होते हैं, अतः इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सुविधा होती है, ध्यान रखना है, आसानी से ले जाया जा सकता है। या ये लिख सकते हैं कि भंडारण एवं परिवहन में, भंडारण का मतलब रख रखाव में, और परिवहन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सुविधा होती है। और इधर आपको जस्ट अपोजिट लिखना है कि ये जो सेल होते हैं प्रायः कांच के बर्तन के बने होते हैं, कांच के बने होते हैं तथा भारी होते हैं, अतः इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में असुविधा होती है। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ लिखे गए हैं कि साधारण वोल्टी सेल, निक्लांसी सेल, डेनियल सेल और शुष्क सेल, साथ में कैडमियम सेल, ये प्राथमिक सेल के एग्जाम्पल्स हैं। और यहाँ आप अच्छे से देखेंगे सीसा संचायक सेल या अम्लीय संचायक सेल, इसका नाम अम्लीय संचायक सेल इसलिए है क्योंकि इसमें विद्युत अपघट्य के रूप में अम्ल H2SO4 का प्रयोग होता है, अम्ल H2SO4। और इसके तीन नाम है, दूसरे सेल का जो नाम है वो नीफे सेल, नीफे सेल इसका नाम क्षारीय संचायक सेल है। रीजन ये है क्योंकि विद्युत अपघट्य के रूप में क्षार के OH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग होता है और इसे एडिसन नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, उन्हीं के नाम पर एडिसन सेल कहते हैं। तो आई थिंक आपके दिमाग में ये भी क्लियर हो गया होगा। मैं आपको एक आध एग्जाम्पल्स और बता देता हूँ क्या, चलिए आगे की ओर ले लेते हैं नेक्स्ट पेज। और एक मैं आपको और डिफरेंस बता सकता हूँ, देखिए सोच समझ कर आपको लिखना होगा। इधर की ओर आपका यदि प्राथमिक है, ये प्राथमिक रहेगा और ये द्वितीयक। आप बताइए हमें कि प्राथमिक सेल से प्रबल धारा ली जा सकती है कि द्वितीयक सेल से? तो बिल्कुल क्लियर होगा आपके दिमाग में, क्योंकि इसका विद्युत वाहक बल प्राथमिक सेल का कम होता है। प्राथमिक सेल का जो बी वाहक बल है, यहाँ लिखेंगे प्राथमिक सेल का, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं, प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल कम होता है। विद्युत वाहक बल क्या होता है, ध्यान रखेंगे, कम होता है, कम होता है किससे, द्वितीयक सेल से। तो सॉरी यहाँ पर लिख लेते हैं, प्राथमिक सेल का जो विद्युत वाहक बल है अपेक्षाकृत कम होता है, अपेक्षाकृत, अपेक्षाकृत का मतलब ध्यान रखेंगे द्वितीयक से, अपेक्षाकृत कम होता है। तो इधर अब आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि जबकि इधर आपका द्वितीयक सेल का, जबकि इधर द्वितीयक सेल का आप क्या लिखेंगे, अपेक्षाकृत, द्वितीयक सेल का विद्युत वाहक बल अपेक्षाकृत अधिक होता है। आपको ध्यान में रखना है कि तीसरा संचायक सेल का विद्युत वाहक बल 2.2 वोल्ट होता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये द्वितीयक सेल है, तो यहाँ इसका आपको अपोजिट बना के लिख लेना है। और एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं, और डिफरेंस आप लिख सकते हैं, बड़ा सिंपल, इन सेलों से प्रबल धारा प्राप्त नहीं की जा सकती, इन सेलों से प्रबल धारा, प्रबल धारा क्योंकि प्राथमिक सेल है, प्रबल धारा प्राप्त नहीं की जा सकती है, नहीं की जा सकती है, ये ध्यान में रखना है। अब इधर श्योर है कि जब प्रबल धारा प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो इधर की ओर आपका क्या होगा, जबकि इन सेलों से, जबकि द्वितीयक सेलों से प्रबल धारा क्या है, प्राप्त की जा सकती है, प्रबल धारा प्राप्त की जा सकती है, ये आपको दिमाग में रखना है।
अब आगे की ओर बढ़ जाते हैं, जहां पर धारा हम कम प्राप्त कर रहे हैं उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, प्राथमिक सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। ध्यान रखेंगे प्राथमिक सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, प्राथमिक सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, ध्यान रखेंगे आंतरिक प्रतिरोध यहाँ पर ज्यादा होता है। आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? ज्यादा होता है। देखिए प्रतिरोध ज्यादा है तो धारा क्या होगी? कम होगी। यहाँ देखें क्योंकि धारा कम है तो प्रतिरोध, इसमें आंतरिक प्रतिरोध इसका क्या होगा? ज्यादा। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जबकि जो द्वितीयक सेल का, समझ गए होंगे, आंतरिक प्रतिरोध अपेक्षाकृत, क्योंकि धारा यहाँ प्रबल है, अपेक्षाकृत कम होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये बहुत सारे हम आपको डिफरेंस लिखवा चुके हैं, आई होप आपके दिमाग में 100% फिक्स हो गया होगा। 5-6 जो है आप लोग डिफरेंस आसानी से याद कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।